अफरा-तफरी का माहौल है। पुलिस के साथ डॉग स्क्वाड की टीम मौजूद है और सड़क पर खून से लथपथ मासूम की लाश, जो हम आपको धुंधली करके इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि ये तस्वीर विचलित कर सकती है। दिवाली के दिन यहाँ कुछ ऐसा हुआ कि कई परिवारों में मातम पसर गया। जिस दिन घर दियों की रोशनी से जगमगा रहे थे, उसी दिन अंधेरा छा गया। दरअसल कानपुर देहात के रसूलाबाद इलाके में दिवाली के दिन 12 साल का एक मासूम अपने थैले में पटाखे लेकर जा रहा था, तभी रास्ते में ही पटाखों में विस्फोट हो गया। धमाका इतना तेज था कि पास खड़े लोग 20 फीट तक हवा में उछल पड़े। तेज धमाकों की आवाज से मौके पर अफरा तफरी मच गई। धमाके में बच्चे के शरीर के चिथड़े तक उड़ गए, जबकि 4 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल भेजा। रसूलाबाद के कस्बा रसूलाबाद के अंतर्गत आज शाम को एक युवक अपने झोले में कुछ आतिशबाजी व पटाखे का सामान लेकर जा रहा था। पटाखे के सामान में अचानक विस्फोट हो जाने के कारण युवक सूफियान, जिसकी उम्र 12 वर्ष थी, उनकी मौके पर ही मृत्यु हो गई एवं 4 लोग घायल हो गए हैं। घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद CHC कानपुर रेफर कर दिया गया है। मौके पर कानून व्यवस्था की स्थिति सामान्य है। माना जा रहा है कि दिवाली पर अवैध बारूद के सौदागर पटाखों का कारोबार कर रहे थे। ऐसे में इस हादसे के बाद सवाल उठ रहे हैं कि झोले में मामूली पटाखों से बड़ा धमाका कैसे हो गया? आखिर पटाखों में कौन सा बारूद था? ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।